हेलो, वेलकम बैक तीन टाइम बिरयानी के नए ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आप लास्ट ब्लॉग में देखे थे कि हम हैदराबाद से विशाखापट्टनम तक आए थे, रेल जर्नी की बताए थे आपको। अभी फ़िलहाल हम विशाखापट्टनम में आकर हम जा रहे हैं घूमने के लिए। हमारा पहला पॉइंट है भीमली बीच और हमारे साथ में हमारे किशोर रेड्डी साहब है, हमको जो घुमाएंगे आज सारा दिन। और हमारी बाकी टीम पीछे पूरे देख सकते हैं, इंशाल्लाह पूरा घूमेंगे, पूरा बताएंगे आप लोगों को। तो सब रेडी है, यहाँ गर्मी काफ़ी है, वहाँ पसीने से नहा लिए पूरा। मोटो साहब पूरा बिल्कुल जो है ना नीटनेस है, यहाँ पर सेम हैदराबाद में ही फिर ऐसा दिख रहा अपने हमारे को यहाँ पर। और घाटो भी और गाड़ी बाइक गाड़ी वो जो है ना पूरा सेम है यहाँ पर, कुछ भी चीज नहीं दिख रहा। बाकी भाई यहाँ पर समर में बिल्कुल भी मत आओ यहाँ पर, अभी तो देखो जुलाई का महीना चल रहा है पूरा, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। यहाँ पर आए तो फिर विंटर में आना बेस्ट रहेगा। पहले हम जाएंगे कैलाशवरम हिल, जो कि यहाँ से रास्ता है उसका रूट से जाने का, पर हम जाएंगे बाय रोड। होता है जो कि फोर व्हीलर का 70 रुपये टिकट है। यहाँ टोल गेट देख सकते हैं आप सामने। अब यहाँ से टिकट लेने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है हमें हिल पर। ये हम कैलाशवरम में ऊपर आए हुए हैं, यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं आप, एक साइड में समंदर और एक साइड में विशाखापट्टनम सिटी पूरी। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये रूफ़ का है। अगर आप रूफ़ से आना चाहते हैं तो आप रूफ़ से भी आ सकते हैं, इसका पर पर्सन एक टिकट 100 रुपीज़ होगा। या बाय रोड आए थे तो हम लोग अभी जहाँ से हैं वहाँ बाय रोड आ सकते हैं, बस फोर व्हीलर के लिए 70 रुपीज़ चार्ज किया है यहाँ पे आने के लिए। यहाँ ऊपर आने के बाद जिसको पैदल घूमना नहीं होता उनके लिए फैसिलिटी है ट्रेन की, टॉय ट्रेन, इसका पर पर्सन 70 रुपये टिकट है। जब भी बहुत देर होगा यहाँ से स्टार्ट होने के लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंजन इसका, पैदल ही ऊपर जाके आते हैं हम। अब यहाँ ऊपर आने के बाद में ये एक पॉइंट है, देखिए शिव जी और पार्वती की मूर्ति यहाँ पर काफ़ी ऊंची बनी हुई है। इतनी ज़्यादा धूप है तो यहाँ पब्लिक कोई ठहर नहीं पा रही, अपन भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा धूप है। तो हम अभी आ चुके हैं भीमली को, ये देखिए भीमली बीच है ये, यहाँ पर सब फोटोज लेने में लग गए। ये जो भीमली बीच है ये विशाखापट्टनम के खूबसूरत बीचों में से एक है। वो सामने देख सकते हैं आप जलपरी का एक स्टैचू है, वहाँ भी जाएंगे अभी। ये वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर। पत्रे
करते हुए। बहुत मजा आ रहा है बीच पे ये, माशाल्लाह क्या अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक मूर्ति बनाना चाह रहे हैं नो, बहुत देर से देख रहे थे हम लोग उनको, तो पास आके देखे, पूछ रहे तो उन्होंने मुस्कुरा रहे, बस बोल रहे कुछ भी नहीं। यहाँ पे सब अपनी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, तो हम भी सोचे चलो अब अपने चैनल का नाम ही लिख देंगे, तीन टाइम बिरयानी। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए हमारा तीन टाइम बिरयानी। अभी हम आ गए यहाँ जलपरी के स्टैचू के पास, इधर हमारे पीछे हमारे समीर भर की हरकत। अब हम भी ऊपर आ गए भाई, ये देखो जलपरी के ऊपर बैठे हुए समीर भाई, डोरेमोन हमारे एनआरआई साहब की हालत ऊपर आ गई। जलपरी के धूम पे बैठे लोग, दर्द नहीं होगा धूम थोड़ा पूरी। सब जन वहाँ ऊपर जलपरी के पास फोटो ले रहे, तो हमारे अखिल भाई यहाँ है ना, ये छोटी जलपरी के पास ठहरे हुए थे आगे। आओ भाई अपने को बड़ी नको काली छोटी सही मगर गोरी है यहाँ पे। अब हमारा अगला पॉइंट होगा रामानायडू स्टेडियो, जो कि एक हिल पर है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। ये देखिए हम ऊपर जा रहे घाट पे। तो ये देखिए भाई हम लोग आ गए हैं रामानायडू स्टूडियो। ये अपना जैसा हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है, वैसे ही ये रामानायडू स्टूडियो है यहाँ पर। ये सब पूरा शूटिंग के लिए डुप्लीकेट घर वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह सब कुछ डुप्लीकेट बना हुआ है इधर, शूटिंग का शूटिंग प्लेस है। बहुत ज़बरदस्त जगह है, इधर आए तो विशाखापट्टनम ज़रूर आइए, इधर बहुत अच्छा सा बना हुआ है। एकदम ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये फिल्म सिटी है सा, एकदम कॉलोनी सोसाइटी में ऐसा दिख रहा है। डुप्लीकेट पुलिस स्टेशन शूटिंग के लिए, जिसमें मगर पूरा एक जगह आने से अच्छा दिख नहीं पा रहा। ये देखिए हमारे शामिल भाई को जेल हो गई, यहाँ पे जेल में ठहर के फोटो खिंचा रहे हैं ये डुप्लीकेट पुलिस स्टेशन। बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे आप, तेलुगु मूवीज में इस तरह के घर। चलिए अंदर से देखेंगे इसको। ये देखिए भाई पुराने हमारे तेलुगु मूवीज में तकरीबन ऐसे ही घर बताते। ये देखो हमारे डोरेमोन साहब देख रहे हैं, लकड़ी में बने हुए, वो भी सागवान की, सागवान की लकड़ी है बेहतरीन। ये देखिए ये स्टूडियो के अंदर मेन प्लेस जो खाली है, साइडों से पर्दे है, जो भी ग्रीन पर्दे पे जो शूट करते VFX के यहीं शूट होता पूरा। देखिए पूरा शूटिंग का सामान पुराना सब कुछ यहाँ पर है, मूवी फिल्म एडिटिंग नोवेला वगैरह ये सब कुछ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, पुराना सब कुछ रखा हुआ है, फिल्म व्यूअर। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर हाल में कोई शूटिंग हुई है कोई फिल्म की, इसको कलर किया गया है पूरा नया। सब शूटिंग के लिए
ये देखे भाई, यहाँ पर बाथरूम भी डुप्लीकेट बना हुआ है शूटिंग के लिए, लेडीज और जेंट्स बोल के इधर। अरे यार वो डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल। अभी करके आया हमारा लेटरिंग। अरे ये ओरिजिनल, अरे सॉरी 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 भाई, ये ओरिजिनल बाथरूम है, हम दूसरा देखेंगे अपने शूटिंग के सीधा। ये स्टूडियो तो देख लिया आप पूरा, इसके है कहाँ पर मालूम है आपको? यहाँ पे से आप कितनी हाइट पे है ये देखिए, मेरे पीछे से नज़ारा, से पीछे समंदर, यहाँ देखिए कितना हाइट पे है ये। अभी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हैं हमारे घूमने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वाइजाग पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।